बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। अब वो फरार है, क्या मांगे गिरफ्तारी उनकी, उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए। नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो शूट हुए हैं और भेजा, मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग कई दिनों से बेटा। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये FIR हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या LBC ने आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट करने की या पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप, जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहां की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक, वो NGOs को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो NGOs काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मैम कुड यू टॉक अबाउट द लीगल रेपरकशन दिस मे हैव फॉर एल्विस यादव? ही शुड गो टू जेल बेटा, दिस इज अ ग्रेड 1 क्राइम, 7 इयर्स इन जेल, इट्स अ वाइल्ड लाइफ क्राइम। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोबरास व्हेन दे लूज देयर वेनम दे डाई, बिकॉज जो वेनम होता है उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया, सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए, इसीलिए सरकार ने इनको Schedule 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता। बेटा मुझे नहीं पता, जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले, इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस है के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग, एक मिनट बेटा, जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है, लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिता। एलविश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो फरार है। मैम जी जो टीम है उनके पास है।